मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हमेशा की तरह हम आपके साथ ऐसी पर्सनैलिटीज को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबा में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी होती बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए उनकी ना भूलने वाली खिदमत है, और स्टिल वो अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये आप सीईओ रहे हैं केपी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है। इसके अलावा वो अगर हम सी पैक की बात करें तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं सी पैक के, और चाइनीज़ के साथ उनका बहुत ही करीबी तल्लक है। और अगर हम अकेडमिया के हवाले से बात करें, आजकल वो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलकर, वो क्या है हम उनसे ही जानेंगे। या मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मिस्टर हसन दाऊद साहब की, जो मेरे साथ मौजूद हैं, आप नाम से वाकिफ होंगे। तो ख्वाबों से तबीयत तक इस सफर में मैं वेलकम करता हूँ हसन दाऊद साहब को। वेलकम टू माय शो हसन दाऊद साहब। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक इस सफर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। हसन साहब, मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है, शायद आपको याद होगा जब मैंने ये सफर स्टार्ट किया था 28 एपिसोड पे मैंने आपका ऑलरेडी इंटरव्यू किया था, और उसके बाद उस दिन आपका एक ऑन द रिकॉर्ड में बताऊँ अपने व्यूज को, उसी दिन आपका एक डेजिग्नेशन आपको मिला था केपी के हवाले से, और जो आप सीईओ बने थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। सर, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये बहुत एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि मैं समझता हूँ आपके कंधों पर दी गई थी, और आपने कहाँ तक इसके साथ जस्टिफिकेशन की है वो आप खुद बताएंगे, और आपके आने के बाद उस अदारे में क्या चेंजेस हुई वो थोड़ा सा मेरे व्यूज को बताइए। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपने हमेशा मुझे और मुझ जैसे मेरे जो कॉलीग्स, फ्रेंड्स और एग्जीक्यूटिव्स और एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमेशा सपोर्ट किया, तो मैं सबसे पहले एट दी ऑनसेट आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके अलावा जो बात आपने की, जैसे कि आई ऑल्सो विविडली रिमेंबर कि आपने 28वीं एपिसोड मेरे साथ की थी, और उस वक्त हम सी पैक डिस्कशन में थी, और हमारा जो ऑफिस था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में सी पैक का प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, उसमें ये एंड आई थिंक कि हमें मैं अपने आप को और अपनी प्रोफेशनल कैरियर को और पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो रीसेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके साथ रिलेट करना चाहूँगा। तो आपने क्वेश्चन किया खैबर पख्तूनख्वा का, तो जब मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया तो ये मेरा फर्स्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सी पैक को निकालने के बाद फर्स्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वर्क था एस सी ओ और लीडरशिप पोजीशन। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने कुछ अपने टारगेट सेट किए थे, वो ये थे कि मैं अपने जो 4 साल 3 साल का जो टेन्योर होगा उसके अंदर जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उस पर काम करूँगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करूँगा, ताकि केपी जो है वो जिस तरह पंजाब और सिंध के अंदर बिजनेस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है बिजनेस वाइज, तो उसके उसको इनक्रेज करूँगा, उसको प्रमोट करूँगा। दूसरा ये कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको लाएंगे। तीसरा ये कि मैंने अपने लिए SEZ जो नाशा कही था वो टारगेट किया था। चौथा ये कि मैंने अपने लिए ये टारगेट रखा था कि जो वहाँ पर SME सेक्टर जो कि केपी का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसके लिए कैसे इंसेंटिव पैकेजेस हम बना सकूँ और गवर्नमेंट को उसकी तरफ इंकरेज कर सकूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3 से 3.5 साल जो मैंने केपी में करे मेरे लिए बहुत रिवॉर्ड। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डेमोंस्ट्रेट करें ऑनेस्टी और हार्डवर्क, तो आपके साथ आपकी लीडरशिप हो जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। और मुझे वहाँ पर बहुत सपोर्ट मिली, मुझे
आई वॉज वेरी लकी कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने बहुत सपोर्ट किया और लेकिन उनकी जो सपोर्ट थी प्रोफेशनल सपोर्ट, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी मेरे तीन थे, चाहे वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे या जितने भी कॉलीग्स थे, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ताल्लुक अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम था, चाहे वो माइनिंग सेक्टर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से रिलेटेड CNW है, प्लानिंग से था। और बीच में एक चीज जो मुझे बहुत ही मेरे लिए रिवॉर्डिंग रही वो था कि एक्सपो दुबई का जो KP का पूरा एक्टिविटी थी उसका जो है मुझे इंचार्ज बनाया गया था। तो मेरे लिए ये बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा कि हम वहाँ पर KP का ट्रू इमेज, मैं हमेशा कहता हूँ ना हमें सॉफ्ट इमेज देने की जरूरत है ना हमें हार्ड इमेज देने की, हमें ट्रू इमेज देने की, तो वो ट्रू इमेज मैं दिखा सका। और उस ट्रू इमेज के नतीजे में काफ़ी इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हुए और अब आगे इंशाल्लाह मेरे जो कॉलीग्स हैं वहाँ पर वो उसको आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा जो मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली वो मेरे साथ जो दूसरे CEOs थे, चाहे वो KP इकोनॉमिक जोन के CEO हों, चाहे वो KPIT बोर्ड के CEO हों या KP स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके CEO, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी सैनर्जी होगी और एज अ टीम हमने आगे लेकर। और इस टीम वर्क के नतीजे में मुझे दो और बहुत ही अहम टास्क मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक था इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का और दूसरा था कॉमर्स और ट्रेड स्ट्रेटजी फॉर KP। और मैंने बहुत मेहनत करके अपने कॉलीग्स के साथ मिलके एक बहुत अच्छी मेरे नज़दीक एक प्रैग्मेटिक और लॉन्ग टर्म डेवलप 10 साल के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी और कॉमर्स और ट्रेड स्ट्रेटजी मिले। फिर मैंने ये सोचा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी देख एटलीस्ट 5 ईयर्स की और उसमें टारगेट सेट करें मेरे लिए भी और मेरे आने के लॉन्ग पॉलिसी हो, लॉन्ग पॉलिसी हो, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको पता हो कि वन स्टॉप शॉप में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मेन्यू क्या है, उसको स्टेबिलिटी मिले, उसको स्टेबिलिटी मिले, उसको इंकरेजमेंट मिले और वो फिर आ सके और फिर वो कह सके कि ये आपने लिखा था अपनी पॉलिसी में। तो वो द फाइनेंस मिनिस्टर, द इंडस्ट्री मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सपोर्ट किया और उसको आगे। इससे पहले आई थिंक इन द लॉन्ग जर्नी जब मैंने CPAC के अंदर काम किया, और मैं ये जरूर कहना चलूंगा कि मैंने तीनों गवर्नमेंट, तीनों पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम पार्टीज के साथ साथ काम किया है। सो आई थिंक कि मैं ये जरूर समझता हूँ कि एट अ लीडरशिप लेवल एंड एट अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेवल, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट हो, सबका ये कोशिश होती है, सबकी टीम प्लेयर्स होते हैं ऑपरेशन लेवल पे, और हम जैसे जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं या वो लोग जो जो एक मिशन के साथ आगे बढ़े हो तो उनको सपोर्ट मिल जाती है। एंड आई थिंक फॉर मी लास्ट 10 ईयर्स इन वर्किंग हेयर बिफोर व्हेन आई केम बैक, मुझे बहुत ही रिवॉर्डिंग रहा। लास्टली आपने बात की यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन, तो एट दिस टाइम मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को एकेडेमिया के साथ भी एसोसिएट करूं और मैं देखूं कि वो चैलेंजेस जो एकेडेमिया में हैं उनको मैं किस तरह इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट लिंकेजेस क्रिएट करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक ब्रिज बन सकता हूं, इकोसिस्टम टाइप अप जो चीज, ताकि वहां से जो प्रोडक्ट निकल रही है वो इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय हो सके, गवर्नमेंट के अंदर अच्छे लीडरशिप और न्यू स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ और नए स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो मिशन लेकर गया हूं अभी एकेडेमिया में विद वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, विजिटिंग तो मैं पिछले 14 साल से कर रहा था, तो मैं 10 साल से जरूर श्योरली डायरेक्ट था, मैंने जब मैं गवर्नमेंट के लिए भी काम करता हूँ या अदरवाइज भी हो तो मैं हफ्ते के अंदर एक दिन ज़रूर यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएट। मेरा ये ख्याल है अगर आप इजाज़त दें कहने की कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है ऐसी, उनको सिर्फ क्राफ्ट करने की ज़रूरत है, हमें ऐसी ह्यूमन रिसोर्स बनानी है जो यहाँ पर भी अच्छा काम कर सके और हमारे मुल्क से बाहर जाए और वहाँ पर अच्छा लीडरशिप रोल ले और वो फिर यहाँ पर ज़र मुबादला भेज सके। आप देखेंगे इंडियन और बांग्लादेश का एग्जाम्पल आपके पास है, इंडियन कितने CEOs हैं जो कि इस वक्त बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के CEOs हैं, तो हमारी उनसे बेहतर है। आई थिंक हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, हमारे अंदर ये हमारी अप्रोच अच्छी है, हार्ड वर्किंग है, इस मुल्क के अंदर
हमने पिछले 10-12 साल में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन रेजिलिएंट है एक नेशन वाइज भी हम रेजिलिएंट हैं, हम आई थिंक एज अ एज एज पर्सनल लेवल पे रेजिलिएंट हैं, हमारे जो फैमिली के बॉन्डेजेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप तो इसको बहुत प्रमोट करते हैं और जो मैं आप प्रमोट करते हैं स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के साथ फैशन इंडस्ट्री के साथ, आई थिंक ये हमारे जो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप ऐसे तक वॉइसेस हैं, कुछ ब्रांड्स आई थिंक इंडिया और बांग्लादेश और दुबई और मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रमोट है, हमारे बेवरेजेस रू अफजा और बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सर हमारे सॉरी यानी कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना उसको देखकर दुनिया में एक उसका नाम है जी, लोग पाकिस्तानी कपड़े की पहचान है, लोग पाकिस्तानी कपड़े, वो अलग बात है, हमारी पॉलिसीज की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से यहाँ से प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज हमारी प्रोडक्ट्स अगर आप इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया या बांग्लादेश, तो उससे कम ही प्रोडक्ट हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी देते हैं आप, लेकिन जरूरत है इसको बेहतर करने के लिए, इसके ऊपर मैं मजीद आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन इस वक्त मैं ब्रेक ही हूँगा, उसके बाद हम मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट जी नासिर, अभी टाइम हुआ एक स्मार्ट ब्रेक का, हम मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। गवादर के अंदर जो कुछ हो रहा है अभी इस साल इंशाल्लाह उसका एयरपोर्ट फुली फंक्शनल हो जाएगा, पोर्ट अब फुली फंक्शनल है, बहुत बड़े शिप्स आ रहे हैं, अगले 5-10 साल में ये और बड़े पोर्ट ग्रो करेगी, शहर ग्रो कर रहा है, तो आई थिंक ये, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफर में लिविंग पाकिस्तान के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ, पावर्ड बाय मॉडर्न स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज जी, हमारे बहुत अच्छे गेस्ट आज के हसन दाऊद साहब, बात है कि बहुत ज्यादा काम इनकी क्रेडिट्स में है, बहुत ज्यादा खदमात है और स्टिल ये सफर जारी है जी हसन साहब, जैसे मैंने कहा ये स्टिल सफर जारी है, सी पैक के ऊपर से आपने बड़े खदमात सर अंजाम दी, बड़ी आपकी दूर तक नजर रही है उसके ऊपर, प्रोजेक्ट वाइज भी देखा जाए और चाइना से बड़े क्लोज थे भी और आया भी है, तो सी पैक के साथ मौजूदा हालात आप कहाँ से देखते हैं कि नो डाउट वो हमारी गेम चेंजर तो है ही है, एक गवर्नमेंट ऐसी आई थोड़ा सा स्लो हो गया था, अभी फिर दोबारा रिवाइवल उसका हुआ, तो आप कैसे देते सर इसके ऊपर जरा आपकी राय देना चाहूंगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस वक्त हमें और आपका चूंकि एक सफर भी पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिविटी पर आ रहा है, आई थिंक सीपैक ने डेमोंस्ट्रेट किया था कि अगर एक सिनर्जी हो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान तो कोई भी चैलेंज हम ले सकते हैं, ये चैलेंजिंग काम था, पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतने मास स्केल पे इन्वेस्टमेंट आ रही थी, थर्ड पार्टी भी इंटरेस्ट शो कर रही थी और एक पॉजिटिव इमेज के साथ हम आगे लेकर के, और इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने सब ने एक मिशन के तहत इस पर काम किया और कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमारे लिए, और मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे मैं क्यों इतना इसको प्रमोट करता हूँ और इसकी डिस्कशन करता हूँ, वो ये है कि मैं समझता हूँ कि चाइना अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड से कोई भी पैरामीटर ले लें, इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त चाइना की फिनोमिनल है, कोविड या उससे पहले या मुझे जिस तरह आगे नज़र आ रहा है, आई थिंक चाइना की इकोनॉमी जो है वो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द नंबर वन इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे नेबर हैं, हमारे हमसाए हैं, और कोई भी हमसाया जो है वो आपके पास आपके उनसे बहुत ही दरीना ताल्लुकात है, डिप्लोमेटिक फ्रंट में, सिक्योरिटी के फ्रंट में चैलेंजेस सांझे हैं, एनवायरनमेंट मोर और लेस एक है, और आई थिंक कि वो पाकिस्तान को क्रेडिट भी देते हैं फॉर वेरियस थिंग्स जो पाकिस्तान ने 60s में और 70s में चाइना ने किए हैं, उसको दुनिया में चाइना का जो इमेज है उसको वेस्ट के साथ कनेक्ट करने में जो पाकिस्तान सो आई थिंक अभी ये टाइम है, और दोनों तरफ से मैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि चाइनीज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल टाइम पे सपोर्ट करें फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और वो करना भी चाहते हैं, उन्होंने मिशन किया है, करना भी चाहते हैं, हमारी तरफ से थोड़ा सा हुआ है, यानी कि मिशन किया चाइनीज को, हमारा ये है कि हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करें, वन विंडो क्रिएट करें, और इसके थ्रू हम जो है एक मैसेज दें चाइनीज को या किसी भी इन्वेस्टर को कि वे आए, और ये भी है कि दूसरे मुल्क मालिक भी अभी जिस तरह चाइना और सऊदी आपस में इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में आके एक थर्ड कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पाकिस्तानों के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। गवादर के अंदर जो कुछ हो रहा है अभी इस साल इंशाल्लाह उसका एयरपोर्ट फुली फंक्शनल हो जाएगा, पोर्ट अब फुली फंक्शनल है, बहुत बड़े शिप्स आ रहे हैं,
अगले 5-10 साल में ये और बड़ी पोर्ट ग्रो करेगी, शहर ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक ये, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप केपी से, केपी के अंदर एक डीआई खान से या इस्लामाबाद एक हाईवे बनाई गई है सीपैक के प्लेटफॉर्म के अंदर, उसके आने के बाद इतनी इन्वेस्टमेंट अब डीआई खान जैसे इलाके में जा रही है, और उससे फिर हम शो डीजी खान और आगे जो इलाके हैं जो रूरल नॉर्दर्न सिंध है उसके अंदर, और ये जो कनेक्टिविटी है और ये जो रोड का नेटवर्क बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल डल रही है सीपर के अंदर, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। एक मैं गुजारिश आपसे जरूर करूँगा, और आपके तरह के जो कॉलीग्स हैं जो कि ब्रांड पाकिस्तान पे या पाकिस्तान की, उन पर अब ये लाजिम है कि लोगों को बताएं कि हम जो हैं वो लाइक एनी रिजिलियंट नेशन, लाइक एनी प्रोग्रेसिव नेशन, यकीन रखते हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे, अपने वैल्यूज पे, अपने कल्चर पे, और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। हम अपने बहुत अच्छे मेज़बान भी हैं, तो हमारे पास कोई इन्वेस्टर आता है उनका ख्याल, यकीनन सिक्योरिटी चैलेंज है, यकीनन हमारे कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं। और जिस तरह चाइनीज़ की एक कहावत है कि इट डज़ नॉट मैटर हाउ फास्ट you are moving if you are moving in the right direction, to main ye zarur samajhta hu despite all challenges, despite what we hear on television, jo hamare mainstream media to main unko nahi kehta, main news channels ki baat karta, to mainstream mere liye hamesha culture drama jo promote karte hain wo mainstream hai, kyunki wahi maqsad ya hamari history ko jo promote karte hain, क्योंकि जो आपके जो करंट अफेयर के शोज होते हैं वो तो आज की बात करते हैं, और अक्सर वो बात करते हैं जो वो कहना चाहते हैं। मैं ये इनक्रेज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स में, अपने साथियों में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें। जब आप ये दोनों काम करते हैं सर, तो फिर आप यकीनन आप प्रोग्रेसिव होते हैं, आप दूसरों से सीखते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर, हमारे साथ टर्की है, हमारे साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और आप तो उस पर काम भी कर रहे हैं, हमारे साथ चाइना खड़ा है, हमारे साथ यूरोप के ममालिक खड़े हैं, वो जानते हैं पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट वर्क है, हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक यूएस के साथ रहे हैं अभी एक हमारी, तो हमारी लीडरशिप जितनी भी रही है पास्ट में अभी, वो इतनी समझदार जरूर है कि पॉलिटिकल चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। हमारे गैप कहां पर आता है ये सारी चीजें? देखिए, दो तीन गैप्स ऐसे हैं जो जिसको, मैं वो गैप्स की बात करूंगा जो मैं जिन पे काम कर सकूं, जिन पे काम कर सकूं, जो मेरा काम नहीं है मैं उस पर क्यों बात करूं? ठीक है, वैसे तो यहाँ पे एक फैशन है कि अपने काम की कोई बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूँ। काम कर सकते हैं वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क हमारा अच्छा होना चाहिए, जो 4G 3G के जो आजकल जो पहले कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, अब कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, तो इंटरनेट हमारा अवेलेबल होना चाहिए हमारे एवरीवेयर अक्रॉस अर्बन सेंटर, गांव में, देहातों में, ताकि वो सीखें, हम वोकेशनल ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते, और हम एक तो ये काम हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सड़कें बढ़ानी है, जैसे चाइनीज कहते हैं इफ यू वांट टू बिकम रिच बिल्ड रोड्स, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, ऑप्टिकल फाइबर बढ़ाएं, हम नेटवर्क अवेलेबल करें। दूसरा ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमें काम करना चाहिए, वन विंडो, जेन्युइन वन विंडो होनी चाहिए, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करे, चाहे वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करे, प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ, वो जेन्युइनली हमारे होने चाहिए। उसके अलावा एक हेल्दी कंपटीशन जरूर होना चाहिए, हम अक्सर 18 अमेंडमेंट और इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इसी तरह चाइना के भी जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खींच के लाएगा। मैं केपी में हमेशा पंजाब को और सिंध के साथ कम्पीट करने की कोशिश करता हूँ, और अभी भी इंशाल्लाह और फ्यूचर में भी अगर मुझे कोई प्रोविंशियल सब नेशनल डेवलपमेंट टास्क मिलता है तो मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं कम्पीट कर सकूँ अपने बिग प्लेयर्स। चौथी चीज जिस पे हमें काम करनी है सर, वो ये है कि हमने नेशनलिज्म को डेवलप करना है, हमने पाकिस्तान को डेवलप करना है, हमने पाकिस्तान के कल्चर को डेवलप करना है, हमने प्रमोट करना है। मैंने एक्सपो में जब दुबई में हमने काम किया और हमने बहुत खूबसूरत डिजाइन पे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दी, तो मैं आपको बताऊं कि जो भी विजिटर आता था, जो भी लोग आते थे, वो इतना इम्प्रेस होते थे पाकिस्तान, क्योंकि ये गंधारा कल्चर यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पे पंजाबी का लोक कल्चर अवेलेबल है, यहाँ पे सिंध का ससी और पन्नू का यहाँ पे कल्चर अवेलेबल है,
सो गिलगित बल्तिस्तान की अपनी स्टोरी, अपनी स्टोरी है। इधर आप डेवलपमेंट लाएं, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज लाएं, और इसके लिए हमें पॉलिटिशियंस की या पॉलिटिक्स की भी जरूरत नहीं, हम खुद एफर्ट करें, या एटलीस्ट जो काम हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए या प्राइवेट सेक्टर में आए उसको फुल एफर्ट के साथ प्रैग्मेटिक प्लानिंग के साथ हम करें। ये मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं फिक्र कि दूसरे क्या कर सकते हैं। मैं ये जरूर, और जब भी मैं किसी जॉब इंटरव्यू, हम भी देते हैं, अक्सर देते हैं, या कहीं मैं जॉब इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे लेते हैं, मैं उनको ये बताता हूँ कि मेरी एक फिलॉसफी, मुझे ये नहीं पता कि काम, क्योंकि वो तो अल्लाह ने करना है, लेकिन जो मेरी एफर्ट होगी वो 100% होगी। और यकीनन हमें एशियन टाइगर भी बनना है, ये हमें सब कुछ बनना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करनी, जो हमारी रियलिस्टिक रहते हुए जो हम चूज कर सकते हैं उसको करें। हमारा फूड इतना शानदार है, आप तो लाहौर में बैठे हो, यहाँ पर आपकी स्ट्रीट फूड, और सर्दियों में तो ऐसा फूड। मैं एक चीज का मुझे, और ये एक मुझे एक ख्वाहिश है मेरी, आई डोंट नो व्हेदर आई एम गिविंग अ ट्रू स्टेटमेंट, आई विश कि बसंत दोबारा से सर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लाहौर की समझिए कि एक ऐसी शहर आपको छेड़ दी है जिसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात आप कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम हुए ब्रेक का। ये नाज़रीन ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में अभी मुझे ब्रेक लेनी है, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दो मेरे बहुत लेजेंड्स का नाम लिया, यूसुफ साहब और कामरान साहब, ये दोनों आई थिंक लाहौरी तो है ही है, लेकिन उनकी जो अक्रॉस द कंट्री और जो हमारे कल्चर पर खिदमत है। वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में, खुश आमदेद दोबारा से हसन दाऊद साहब। सर आप भी लाहौरी हैं सर, इसमें कोई शक नहीं, और लाहौर के खाने तो वैसे ही पूरी दुनिया में, और बट लवर्स है, और बट है, स्पेशली बट फैमिली से, और आपकी तो गवर्नमेंट भी रही है, ठीक है। बट सर खाना एक ऐसा चीज़ है, फूड जिसको हम कहते हैं, और टूरिज्म, अगर ये दोनों हमारे यहाँ दोबारा से इनका रिवाइवल, फूड तो है ही हमारी पहचान है, टूरिज्म का रिवाइवल हो जाए जिसमें एक डिफरेंट इवेंट्स है, जैसे बसंत, एक टाइम था पाकिस्तान में लोग बसंत के इवेंट को प्लान करते थे पूरा साल, मैंने गोर फॉरनर्स को भी देखा और लोकली जो ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली आते थे पाकिस्तान को कि इस मौके पर जाना है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती थी, डॉलर्स आते थे। अचानक फिर ऐसा कुछ दहशतगर्दी की नज़र हो गई, कुछ सिक्योरिटी की नज़र हो गई, वो चली गई। मेरी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा डिस्कशन जो है कामाल निशारी साहब से भी हुई, और जो स्टेक होल्डर्स थे, और इसी तरह यूसुफ जो है सलमिया यूसुफ सली साहब से भी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, सब कहते भी हैं, एग्री भी है, ख्वाहिशमंद भी है, होता नहीं है। सियासत की नज़र हो जाती है दुनिया में जिन मौकों, जिन कौमों ने तरक्की की है सब टूरिज्म और अपनी जो लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करके, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी मेरा ख्याल है कि पहले तो ये कि आपने दो मेरे बहुत लेजेंड्स का नाम लिया, यूसुफ साहब और कामरान साहब, ये दोनों आई थिंक लाहौरी तो है ही है, लेकिन उनकी जो अक्रॉस द कंट्री और जो हमारे कल्चर पर खिदमत, आई थिंक एक्नॉलेज हमें करना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, एंड आई विश कि मैं आधा उन जितना आधा भी काम कर लूँ अपनी लाइफ में तो बड़ी बात होगी। सो एक तो मैं इसको बड़ा सिंपली आपको बताता हूँ, आई थिंक इसमें सिर्फ कसूर पॉलिटिक्स का या हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स, क्योंकि सारा दिन हमारी गुफ्तगू पॉलिटिक्स के अराउंड होता है। मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा कसूर हमारा भी है, मतलब हम जिस तरह की डोर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का कभी कभी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, लोकल इंतज़ामिया की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, जिस तरह की धात यूज करते हैं, तारे जिस तरह की यूज करते हैं, और उसके एसेंस में सिर्फ जीतने के लिए, अगले की डोर काटने के लिए, और ये इसका एक फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट भी है। कभी कभी जीत इतनी जरूरी नहीं होती लाइफ में, कभी कभी ये जरूरी होता है कि आप इंजॉय कर सकें उस मोमेंट को, उस ग्लोरी को। तो मेरा ख्याल है कि हमें मैं तो चूंकि इससे ताल्लुक के पतंग उड़ाने वाले के से बात कर रहा, तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात आपने की बसंत की,
तो हम बसंत से अगर डोर को और इसको निकाल दें और सिर्फ एक स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे इसको लेकर आए और हम स्प्रिंग की एक्टिविटीज रखें, इसी तरह अंदरूनी लाहौर में जिस तरह हम छतों पे चढ़ के डोर करते थे, सो आई थिंक व्हाई नॉट। और ये सिर्फ पंजाब में ना हो, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह ये कि नेचुरली फेस्टिविटी तो है और आपने जिस तरह कहा मैं लाहौर हूँ एंजॉय फेस्टिविटी, लेकिन इसके अलावा एक आपके एक जो आपकी इकोनॉमी है जो लो टीयर इकोनॉमी है आपकी, वो उससे बड़ी एक्टिवली चाहे वो डोर बनाने वाला हो, वो से इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। और मैं आपको बताऊं कि अगर इसके साथ हम एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी ले आए, क्रिकेट का ले आए, तो मैं आपको बताऊं इधर बसंत हो रही हो, लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम में क्रिकेट का मैच हो, मैं देखता हूँ इंडिया की टीम कैसे नहीं आ रही, वो फिर सब पॉलिटिक्स वगैरह भूल चुके यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे वो वक्त याद है जब यहाँ पर इंडिया का मैच हुआ था, हम ग्राउंड में गए थे देखने के लिए, और उन्हीं दिनों में ये बसंत को फेस्टिविटी या गुड़िया उड़ा सब कुछ होता था, तो इतने शौक से। अब तो हमारा बॉर्डर बन गया है, हमारा वाघा बॉर्डर बहुत है, यानी आमतौर पर आसानी से हो सकती है। और कभी कभी इन चीजों को मैं टर्क से मिलता हूँ, मेरी चाइनीज से मुलाकात होती है, और जिस तरह हम वाघा बॉर्डर में एक एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने बड़ा सोचा कि वो भी इस तरह की एक्टिविटी अपने बॉर्डर कंट्रीज के साथ करें, क्योंकि हम यू नो पाकिस्तान हर चीज पे रेजिलिएंट कॉम है ना, मेहनती कॉम है, रेजिलिएंट है, तो हम हर चीज के अंदर मुश्किल चीजों में बॉर्डर के अंदर हॉस्टिलिटी के अंदर भी मजा निकाल लेते हैं। मतलब और ये काम मेरी यंगस्टर से भी है कि जब आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको पूरे अज़म के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ और उसको एंजॉय करते हुए करें। मैं आपको बताऊं, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है कहने की, लेकिन मैं कम से कम मतलब 6 दिन और अगर मौका मिले तो पूरे 7 दिन काम करता हूँ। डिपेंड करता है जो काम क्या है, नेचुरली एक प्रोफेशनल काम होता है, फिर आप कुछ अपनी ग्रूमिंग के लिए करते हैं और एक लर्निंग कर्व में रहते हैं, आप सीखते हैं, तो एक दिन सीखने के लिए, कुछ दिन सिखाने के लिए, कुछ दिन इंडस्ट्री के साथ कमिटमेंट करने के लिए, क्योंकि देखें ये इंडस्ट्रीज चलेंगी, आपके स्पॉन्सर हैं प्रोग्राम में, मैं एडवाइजर हूँ गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, सिमिलरली प्राइवेट इंटरप्राइज के साथ हम काम करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि एकेडेमिया ने जो चीज़ प्रोड्यूस करनी है वो जानी जॉब तो जानी हो। और मैं आपको बताऊँ, ये जो ट्रेंड है पक्की नौकरी का, ये भी अब खत्म हो रहा है, आपके कैमरामैन ये काम करते हैं, शाम में फ्रीलांसिंग करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, और अगर हम थोड़ा सा एफर्ट कर लें तो हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर भी नहीं जाना चाहते। मेरा अपना बेटा जो है वो कहता है कि मैंने इधर ही पढ़ना है, पाकिस्तान में ही रहना है और इंजॉय करना है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क सर इसमें कोई शक नहीं है, हमारा मुल्क और पाकिस्तान जैसा सस्ता मुल्क भी मुझे खिलानी दूसरी वो जो सड़क पे मूली वाला होता है उससे आपने मूलियां खिलाने और आपने तीसरा मुझे जो है ना मछली खिलानी है फ्राई। तो ये तीन चीजें आपको को अगर स्ट्रीट में मिल रही हैं और तो फिर इससे ज्यादा और क्या सर किसी ने कहना जिन्हें लाहौर नहीं तक किया हो जब नहीं थे इसमें कुछ अपनी। लेकिन मैं एक बात आपके खत्म होने से पहले जरूर करूंगा, किस तरह ये बात तो है नेचुरली, लेकिन मैं एक नेशनलिस्ट अप्रोच किया, मैं जब पेशावर गया तो वहाँ के जो खाने हैं, जब मैं सिंध में गया तो वहाँ की जो मॉडर्न अर्बन स्टाइल ऑफ लिविंग है, मैं लॉन्ग टर्म प्लान में गया तो वहाँ की जो मछली और क्रैब और जो फूड नेचुरल फूड, इसी तरह इंडिया में जब मौका मिला काम करने का तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो बातें हैं, जो हिस्ट्री है, तो ये सबको इकट्ठा करें तो फिर पाकिस्तान बनता है। और आप जैसे लोग मेहनत करते रहे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर जी, हम तो कह रहे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए काम नहीं कर, दुनिया में अच्छा मैसेज आए। बट सर इन सब चीजों को अगर मैं देखूं तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जल्द अज जल्द
अल्लाह ताला आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे तो आप हमारे पंजाब वालों की से आ जाए बाप की खिदमत, ठीक है, और पंजाब का कोई इदारा आपको ऐसे दे दिया जाए और आपकी मुशावरत में जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस है अकेडमी के हवाले से और फिर चाइनीज के एक लॉन्ग यानी कि आपकी जर्नी रही है और आया भी जाए भी, तो आप पंजाब में भी कुछ ऐसा रोल अदा करें यानी कि जरूरत है आप जैसे लोगों की हमें। और मेरी डे आफ्टर टुमारो मोहसिन इकबाल साहब से भी मीटिंग है तो इसी सिलसिले में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे कोई आपकी नेटवर्किंग हम स्टार्ट करें ताकि मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि आप पंजाब में आए, असल चीज ये पंजाबियों के लिए है। लेकिन मैं आपको अपनी जाती ख्वाहिश बताऊं, जी जी, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे छोटे सूबों में एक काम मिले ताकि मैं वहां जाके ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकूं और उनको जो वहां के जो ऐसे तबके हैं रूरल इकोनॉमी है उनको अर्बन सेंटर्स और मैं जाती तौर पे अगर मेरे से आप फेवरेट जॉब पूछें तो शायद जीबी में जाके काम करना मेरे लिए ज्यादा रिवॉर्डिंग प्रोफेशनली होगा, क्योंकि हम जो हम जैसे लोग हैं वो उनकी कोई जड़े नहीं होती, वो कभी इधर कभी उधर जहाँ मौका मिले जहाँ किस्मत ले जाए वहाँ पे जाके अच्छा काम करें। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र जो कि अभी सफ़र जारी है और आज हसन दाऊद साहब जैसी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद है कि ये सफ़र जो जो जारी होता जाएगा, इस सफ़र में और लोग आते जाएंगे, ये कारवां आज 111 एपिसोड तक पहुँचे, 1011 तक भी पहुँचेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने हद अजीज मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।